गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खा शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा तो भी सस्ता जान। धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो पड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने जन गोविंद दियो मिलाए कबीरा गोविंद दियो मिलाए। पूरा जो देखन मैं चला गुरा न मिलियो को जो दिल खोजा ना मुझसे बुरा ना कोई कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। वो थी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न को ढाई अखर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए कबीरा पढ़े जो पंडित होए। दिन का कबू न निंदी जो पावन तर हो कबू उड़िया खिन पड़े तो पीर घनेरी होए कबीरा पीर घनेरी होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए हरिजन मन मो हरिजन मन मो सा कोड़ी बदले जाए कबीरा कोड़ी बदले जाए। पानी के रा बुदबुदा असमानस की जा एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात कबीरा ज्यों तारा पर भात। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर कबीरा मन का फेर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू अंजू जी। अभी किया था फ़ोन, वो कह रहे हैं कि महाराज जी अभी शयन आरती में जा रहे हैं, तो उसके बाद होपफुली ज्वाइन कर पाएंगे। तो
तो इन द मीन टाइम फिर हम शुरू करते हैं. डॉक्टर साहब, ऑल योर्स. सभी को जय श्री कृष्णा. ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल गीता महोत्सव के बाद ये पहला सत्र, और जो लोग वहाँ थे उन्होंने तो उसकी अनुभूति की, और जो लोग नहीं थे उन्हें हमारे बहुत से साथी अनुभूति कराते रहे. और मुझे बड़ी खुशी है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर दे in one form or the other, maybe through some photographs, maybe through some live sessions, have attended the International Gita Mahotsav also. The topic chosen for today is Manzil Swayam Mein Hai. ये क्यों लिया हमने? क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि पिछले लास्ट के दो श्लोक दसवें अध्याय के जो कि विभूति योग के हैं, तो मैंने सोचा दो के साथ दो और ले लिए जाए क्योंकि मीनिंग पूरा कन्वे हो जाए. तो इसलिए चार श्लोक और फिर उनके साथ साथ थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे. दसवें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत च अपि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन न तदस्ति बिना यत स्यात् भूतम चर अचरम. हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह मैं ही हूं. यानी भगवान कहते हैं कि जो भी इस संसार में जितने भी भूत हैं सर्वभूतानां, उनका बीज मैं ही हूं. क्योंकि ऐसा कोई भी चर अचर नहीं है जो मेरे से रहित हो, यानी जिसमें मैं ना हूं. ऐसा कोई भी चर या अचर जीव इस पृथ्वी पर नहीं है. हम लोग जब भी ईश्वर के संबंध में चर्चा करते हैं या ईश्वर के संबंध में विचार करेंगे, तब ऐसा ही विचार प्रतीत होता है कि ईश्वर अस्तित्व से कुछ और है, यानी ईश्वर अस्तित्व से अलग है. परंतु ये हमारे विचारों की भूल है. और विचारों की भूल भी क्या, विचारों की प्रक्रिया ही ऐसी है कि वो विश्लेषण का माध्यम यानी एनालिसिस का माध्यम अपनाते हैं जितने भी हमारे थॉट्स हैं. जबकि भगवान कृष्ण यहाँ विश्लेषण की बजाय, एनालिसिस की बजाय सिंथेसिस की बात करते हैं. और जब जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तब हमें सृष्टि और सृष्टा दो अलग चीजें नहीं दिखाई पड़ती, तब हमें सृष्टि और सृष्टा एक ही दिखाई देते हैं. और वो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे मकड़ी अपने जाले का विस्तार करती है, वैसे ही भगवान कहते हैं कि जैसे मकड़ी का जाला उसका पूरा विस्तार है, ये सृष्टि भी मेरा ही विस्तार है. ये बात समझने की है और ये बात अनुभूति की है. क्योंकि विचार जब होंगे वो हमें तोड़ेंगे और अनुभूति जब होगी वह हमें जोड़ेगी. इसलिए मेरा ये मानना है कि भगवान का केवल और केवल ये विस्तार है सृष्टि, अलग कुछ भी नहीं है भगवान से. सृष्टि और सृष्टा एक ही है. और जब हम एक ही कहते हैं कि अस्तित्व ही है, तो जितने भी नास्तिक हैं, जितने भी विज्ञान को मानने वाले हैं, वो खुश हो जाते हैं कि यदि ईश्वर अस्तित्व है तो हमारी भी समस्या हल हो जाती है. परंतु हम ईश्वर को अस्तित्व कह सकते हैं, परंतु अस्तित्व हमें रोमांचित नहीं करता, हमारे रोंगटे खड़े नहीं करता. जब जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम आंदोलित होने लगते हैं. जैसे आपने अभी दो भजन सुने इतनी मेलोडियस वॉइसेस में, तो अंदर से रोमांच पैदा होता है. आप आंखें बंद करें तो अनुभूति होने लगती है. आप अपने अंदर उतरने लगते हैं, आप गहरे में उतरने लगते हैं. ये जो अनुभूति है ये ईश्वर का नाम लेने से ही आती है. और जैसे ही हम ईश्वर का नाम लेते हैं हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, हमारी आंखों की चमक बढ़ जाती है, हमारा शरीर तन जाता है,
यानी हमारे अंदर एक सिंपथेटिक एक्टिविटी, एक आंदोलित हमारे अंदर शरीर हमारा होने लगता है और हम रोमांचित होने लगते हैं जैसे ही ईश्वर का नाम आता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अस्तित्व ना कहकर यदि हम ईश्वर कहते हैं तो ये हम सब के लिए अच्छा ही है, क्योंकि ये हमें अंदर तक छूता है, ये हमें आंदोलित करता है, ये हमें रोमांचित करता है, ये हमारे अंदर क्रांति लाता है, ये हमारे अंदर की संभावनाओं को निकालता है, ये हमारे अंदर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। और यदि ऐसा कोई हमारे अंदर कर पाता है, क्योंकि यदि हम विज्ञान को देखें तो विज्ञान व्हाट व्हेन वेयर हाउ हू तो सब बता देगा, परंतु संभावनाएं ये धर्म बता सकता है। विज्ञान केवल तथ्यों की बातें करता है, धर्म लक्ष्यों की भी बातें करता है। यदि मैं एक बीज देखूं तो विज्ञान के लिए वह केवल एक बीज है, इट्स जस्ट अ सीड विच विल कम आउट एंड स्लोली एंड स्टेडली देन दे विल एक्सप्लेन अबाउट इट। परंतु यदि मैं किसी धार्मिक व्यक्ति को कोई बीज देता हूं तो वो उस फूल के बारे में सोचेगा जो इस बीज में से निकलने वाला है, यानी वो उस लक्ष्य को सोचेगा, वो फूल जो खिलने वाला है, वो सौंदर्य जो खिलने वाला है, उस बारे में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या संभावनाएं हैं, उसकी दशा हमें देता है। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ व्याख्या है अहम ब्रह्म अस्मि तत्व मसी श्वेत केतु, यानी मैं ब्रह्म हूं। हम सबके अंदर ब्रह्म होने की संभावनाएं हैं, हम सबके अंदर ईश्वर बनने की संभावनाएं हैं। इसलिए धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अस्तित्व की बनिस्पत। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि अस्तित्व ना कहकर यदि हम ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं सब भूतों की उत्पत्ति का कारण हूं, और कोई भी ऐसा चर अचर जीव नहीं है जो मुझसे रहित हो, जिसमें मैं ना हूं। अब समझने की बात यह है कि हमारे अंदर क्या है जो परमात्मा है, बड़े सिंपल शब्दों में कि जब सब कुछ खो जाए और जो हमारा बचे वह परमात्मा है, शरीर खो जाए, मन खो जाए, बुद्धि खो जाए, अहंकार खो जाए, तो जो बचता है वह परमात्मा है, जो ना खत्म होने वाला है वह परमात्मा। जॉर्ज मूर ने एक किताब लिखी प्रिंसिपिया एथिका, और ये प्रिंसिपिया एथिका उसने केवल और केवल एक शब्द पर, गुड यानी शुभ पर लिखी। 250 पेज की ये किताब, और अंत में वो एक ही बात कहता है, गुड इज indefinable, शुभ को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और हम भी ये कह सकते हैं कि गॉड इज टोटैलिटी ऑफ ऑल indefinables, जितने भी indefinables हैं उन सब का जोड़ परमात्मा है, उन सब का जोड़ ईश्वर है। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो निश्चित रूप से हमारी दृष्टि बदलती है। हम फूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, परंतु फूल के सौंदर्य को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। हम सूर्य को एक्सप्लेन कर सकते हैं, परंतु सूर्य के तेज को एक्सप्लेन करना, सूर्य के प्रकाश को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। हम चांद को एक्सप्लेन कर सकते हैं, परंतु चांद की चांदनी को एक्सप्लेन करना, चांद की शीतलता को एक्सप्लेन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए कहा गया कि इफ आई से येलो इज येलो, इफ यू आस्क मी व्हाट इज येलो, आई विल से येलो इज येलो, बट देन देयर इज नो डेफिनेशन फॉर येलो। So therefore, all indefinables in this world, और आगे भगवान यही कहेंगे इस बात को कि जो भी मेरी विभूतियों में जो भी सौंदर्य है, जो भी शक्तिमान है, जो भी कांतिमान है, जो भी शक्तिमान है, वो सब मैं ही हूं,
उनको तुम मैं ही समझ, तू उनको मेरे को ही समझ। ये भगवान जब 41वें श्लोक पे हम आएंगे तो भगवान यही कहते हैं कि मेरी विभूतियों में जो कुछ भी कांतिमय है, जो कुछ भी शक्तिमय है, जो कुछ भी सुंदरमय है, वह सब मैं ही हूं, उनको तुम मुझे ही समझ। परंतु ये सब चीजें हम केवल और केवल अनुभूति से समझ सकते हैं। मान लो हम समुन्द्र के किनारे बैठे हैं, तो यदि हम लहरों के बारे में विचार करें तो हम समुन्द्र की गहराई को नहीं जान सकते, परंतु किनारे पर खड़े होकर हमें केवल लहरें दिखाई देती हैं और हम लहरों पर विचार करते हैं, परंतु लहरें समुन्द्र नहीं हैं। और यदि हमें समुन्द्र को जानना है तो हमें छलांग अंदर लगानी ही पड़ेगी, यानी छलांग लगाना ही अनुभूति हो जाती है और किनारे खड़े रहना ही हमारा विचार रह जाता है। इस बात को हमें समझना। परंतु प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान कहते हैं कि किसी कोई भी चर या अचर वस्तु मुझसे रहित नहीं है, जब हम भगवान से रहित नहीं है तो हमें भगवान का पता क्यों नहीं लगता? भगवान का पता हमें इसलिए नहीं लगता कि जो चीजें दूर हैं वो तो हम चलकर पूरी कर सकते हैं, और जो चीजें पास हैं, थोड़ी पास हैं, वहां भी चला जा सकता है, परंतु जो हमारे अंदर ही हैं, जो हमारा हिस्सा ही है, उन्हें हम चलकर नहीं पहुंच सकते, वहां हम केवल रुककर पहुंच सकते हैं। और यही फर्क है विज्ञान और धर्म का भी। विज्ञान चलकर पहुंचता है, धर्म में रुककर पहुंचा जा सकता है। और चलने और रुकने में फर्क हमें तभी पता लगता है, हमें बोध तभी होता है कि मान लो मैं स्टेशन पर हूं, प्लेटफॉर्म पर हूं, शोर मच रहा है, और मान लो मैं बचपन से ही प्लेटफॉर्म पर हूं, मेरा घर भी वहीं था, तो शोर मचता रहता है, मुझे आदत है, परंतु मुझे शोर सुनाई नहीं देता। और अचानक एक दिन रेलवे की हड़ताल हो जाए, उस दिन मुझे लगेगा कि आज कुछ कमी है। ऐसे ही मछली को यदि आप जल से निकाल दो तो उसे पता लगता है जल का। और इसी तरह से हमें भी बोध नहीं हो पाता परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा कहीं खोजने की चीज नहीं है, कहीं ढूंढने की चीज नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर है। परमात्मा इसलिए हमें केवल और केवल रुककर मिल सकता है, चलकर नहीं मिल सकता, यह भी सोचने की बात है। और इसलिए जब भगवान कहते हैं कि मैं चर अचर सब में कोई भी मुझसे रहित नहीं है, तो हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा हमारे अंदर है, मंजिल हमारे अंदर है, मंजिल स्वयं में है। इसलिए मंजिल को चलकर नहीं पाया जा सकता, मंजिल को रुककर पाया जा सकता है। और रुकने की अनेकों विधियां हैं, वो ध्यान हो सकता है, समाधि हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, अनेकों अनेकों उसके मेथड्स हो सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे रोकें। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम ये समझने का प्रयास करें कि ईश्वर हमारे अंदर है, फिर भी हम उसे क्यों नहीं पा पाते, क्योंकि हमारा तरीका ही गलत है, हमारी खोज ही गलत है। और जब हमारी खोज ही गलत होगी तो जो हमारी मंजिल है वो भी गलत होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान आगे ये कहते हैं कि हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, यह तो अपनी विभूतियों का विस्तार मैंने तेरे लिए संक्षेप में कहा। बहुत छोटी सी बात कही, और भगवान कहते हैं मेरी दिव्य विभूतियां, यानी जिसका ना कोई आदि है, जिसका ना कोई अंत है, वह दिव्य है। जहां प्रारंभ है, जहां अंत है, वह संसार है, और जहां ना प्रारंभ है ना अंत है, वह दिव्य है। इसे हमें समझना होगा। और बुद्ध ने तो हमेशा कहा कि जब भी वो किसी गांव में जाते थे, पहले मुनादी करा देते थे कि कोई ये 11 प्रश्न इनको पूछे ही मत। उन प्रश्नों में ये था
कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, मोक्ष क्या है, समाधि क्या है, तो वो ये कहते थे कि इनके बारे में पूछो ही मत, क्योंकि ये पूछने की वस्तुएं नहीं है, ये वस्तुएं स्वयं अनुभूति की हैं, ये स्वयं के अंदर ढूंढने की हैं, ये चीजें महसूस करने की हैं, दे आर ऑल यू नीड टू फील, यू नीड टू परसीव, एंड इट कैन नॉट बी that you just watch them, you think over them, and things are all over. They cannot be. So therefore, even thoughts will not bring you anywhere. और हमने जितना भी अपना सिस्टम सारा खड़ा किया है, वो केवल और केवल अपने thought process को, अपनी विचार शक्ति को बढ़ाने के लिए मजबूत किया है, जबकि विचार important हैं. Eddington ने कहा, पहले उसने ये कहा कि दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ थिंग्स, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ थिंग्स. फिर उसे नोबेल प्राइज मिला ये कहने पे. नोबेल प्राइज मिलने के बाद उसने और स्टडी किया, तो उसने कहा कि जो मैंने पहले कहा था वो गलत है, जिस पर उसे नोबेल प्राइज मिला. उसने कहा यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ थॉट्स, इट इज नॉट मेड अप ऑफ थिंग्स. सो अल्टीमेटली Eddington, a scientist, also believed that we are made up of thoughts. Now the question arises is, कि Eddington ने ये तो कह दिया कि thoughts हैं, परंतु वो thoughts किसके द्वारा? यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो thoughts मैं ही हूं. This is most important. Eddington could not answer कि what are the thoughts and which thoughts. बट कृष्णा हियर सेज कि ये विचार भी मैं ही हूं, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम गीता को पढ़ें. गीता इज समथिंग गोज बियॉन्ड एंड ओवर द साइंस. वेयर द साइंस एंड्स, द थियोरी ऑफ गीता बिगिंस. एंड लॉर्ड कृष्णा 5000 इयर्स अगो कुड एक्सप्लेन टू अस, व्हिच द साइंटिस्ट एक्सप्लेन टू अस इन 19th सेंचुरी, that this universe is made up of thoughts. Lord Krishna said in Gita 5000 years ago that this world is made up of thoughts. ये मेरे विचारों का विस्तार है, ये भगवान कृष्ण का. It takes lot of guts to say this, but he has everything to prove it also. In coming shlokas, Lord Krishna will prove this also, that how all these thoughts, they emanate from him. They come from him, and they are only spreaded by him, and they are nothing. This whole universe is nothing. भगवान ये कहते हैं आगे आकर कि इस योग, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये मेरी योग माया के मात्र एक अंश का विस्तार है. आखिरी श्लोक में भगवान कहेंगे विभूति योग के कि मेरी माया के एक अंश का विस्तार, यानी पूरी माया भी नहीं है ये भगवान की जगह, यानी ये जगत ईश्वर में है, ईश्वर जगत में नहीं. उसके लिए और बहुत सारे जगत, जिनकी चर्चा भगवान आगे करेंगे, कि इतने सारे जगत. और मेरा ये मानना है कि जब तक हम कोई गहराई में नहीं उतरेंगे, कोई ऐसे अपने आप को रुकने का कार्य नहीं करेंगे, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, तब तक परमात्मा की अनुभूति करना बहुत ही मुश्किल है. और यदि हम ये पूछते रहेंगे कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ये हमारे सवाल ही गलत है. अक्सर लोग कहते हैं कि हरियाणा वाले, मैं हरियाणा से हूँ, कि हरियाणा वाले उल्टे जवाब देते हैं. जवाब उल्टे नहीं होते, प्रश्न ही उल्टे होते हैं. मानो कि एक पति घर से निकलने लगा, उसने अपनी पत्नी को कहा कि पानी देना, तो पत्नी कहती है क्यों प्यास लगी है. यानी सवाल ही गलत है, पानी मांगा तो प्यास लगी होगी. और फिर पति कहे कि नहीं नहीं मैं तो गला टेस्ट कर रहा हूं, कहीं पंचर तो नहीं है. यानी सवाल ठीक पूछना बहुत महत्वपूर्ण है. और ऐसे ही मान लो किसी के प्लास्टर लगा, तो हम पूछते हैं क्या टूट गई क्या,
भी प्लस्तर लगा तो टूटा ही होगा, और आगे से मैं जवाब दूंगा नहीं फैशन है इसलिए प्लस्तर बांध लिया। फैशन के लिए तो कोई नहीं बांधेगा प्लस्तर। यानी हमारे सवाल ठीक होने चाहिए, और यदि सवाल ठीक नहीं होंगे तो उत्तर कभी जीवन में ठीक हो ही नहीं सकते। कोई किसी की अर्थी को ले जा रहे हैं तो लोग पूछें यदि कि मर गया क्या, लेकिन मराया तो अर्थी पर है ना, जिंदे को तो कोई नहीं लेके जाएगा। तो जब वो कहेगा मर गया क्या, तो ले जाने वाला भी कहेगा नहीं इसको घुमा के अभी थोड़ी देर में फिर घर छोड़ाएंगे। तो इसलिए सवाल ठीक होने चाहिए अपने प्रश्नों के ठीक उत्तर होने के लिए। और जब हम ईश्वर के बारे में भी सवाल करते हैं तो हमारे प्रश्न ठीक होने चाहिए। परंतु आजकल जमाना ये है कि प्रश्न भी छपे हुए हैं लोगों के, और अब तो उत्तर भी लोग छपे हुए रखने लग गए हैं। मैंने एक दरबार देखा किसी बाबा का कि उसने पर्चियां भी छाप के लिखी रखी हुई हैं, कि उसको पता है कि कौन आके कौन सा जवाब ढूंढेगा। पर्चियां भी लिखी हुई हैं, बिल्कुल प्रिंटेड हैं, दे आर ऑल प्रिंटेड। यानी सवाल और जवाब प्रिंटेड नहीं हो सकते। प्रश्न वे हैं जो हमारी जिज्ञासा से उठें, जो हमारी क्यूरियोसिटी से उठें, जो हमारे जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोई चीजें और स्वतः से उठें, वो प्रश्न है। और जवाब कोई, जैसे अब गुरु जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, तो ऐसे सिद्ध गुरु ही दे सकते हैं। जवाब कोई आसान नहीं है इस यूनिवर्स के देने, जवाब बहुत मुश्किल है, परंतु जवाब आसान भी हैं यदि प्रश्न ठीक है। तो इसलिए अपने प्रश्नों को भी हम ठीक ढंग से करें, अन्यथा इस दुनिया को एक्सप्लेन करने में, इस सौंदर्य को एक्सप्लेन करने में जिनकी मैंने चर्चा की, जिसकी भगवान ने अपनी विभूतियों की चर्चा की कि जिस तेज को तू समझता है। आप ये देखो कि आइंस्टीन की शादी जिस लेडी से हुई वो कवित्री थी, शी वॉज ए पोएट, आई एम जस्ट प्रॉब्लम, यस फ्रा आइंस्टीन वॉज हर नेम, एंड आइंस्टीन एज यू ऑल नो वॉज ए फिजिसिस्ट एंड ए मैथमेटिशियन। फ्रा आइंस्टीन वॉज ए पोएटेस। न फर्स्ट डे ऑन देयर मैरिज शी हैड रिटन ए ब्यूटिफुल पोएम, उसने अपना बहुत सुंदर पोएम लिखी थी जिसमें ये चर्चा आई थी कि चांद और चेहरे का संबंध उसने जोड़ा था। तो आइंस्टीन आंखें बंद बैठा सुन रहा है और फिर बाद में कहता है कि चेहरे का चांद के साथ क्या संबंध हो सकता है, यदि चांद को लगाकर, चांद को लाकर चेहरे की जगह पर रख दिया जाए तो वो तो दाग ही दाग दिखाई देंगे, खड्डे ही खड्डे दिखाई देंगे, क्योंकि वो तो फिजिसिस्ट है, उसको चांद पर पिट्स दिखाई देंगे, चांद पर दाग दिखाई देंगे। अब डॉक्टर को हाथ पकड़ाओगे तो वो थोड़ी उसको कुछ होएगा, वो तो पल्स ही देखेगा डॉक्टर। सो इफ डॉक्टर इज योर हस्बैंड, इफ ही इज होल्डिंग योर हैंड, तो प्रॉबेबली ही लाइक टू सी द पल्स ओनली। सो इसलिए आइंस्टीन को भी वही दिखाई दिया जो आइंस्टीन था। तो उस दिन फरा ने अपने मेमायर्स में लिखा कि उसके बाद हमने इस विषय पर चर्चा ही बंद कर दी, हमने ये चर्चा ही बंद कर दी कि सौंदर्य क्या है, ऐश्वर्य क्या है, ईश्वर क्या है, क्योंकि हमने रियलाइज कर लिया कि हम दोनों अलग अलग जाति के प्राणी हैं, इसलिए हमारा कोई मेल नहीं हो सकता, इसलिए हम दोनों इकट्ठे इस राह पर नहीं चल सकते। क्योंकि आइंस्टीन साइंस की भाषा समझता है, वो फूल को समझता है परंतु सौंदर्य को फूल के नहीं समझता, और हम भी ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं परंतु उसके ऐश्वर्य को, उसके तेज को, उसके अंश को, उसके जो विभूतियां हैं उनको समझने का प्रयास नहीं करते। और भगवान यहाँ पर यही कहने का प्रयास करते हैं कि तू इन सब प्रतीकों में से मेरे एक प्रतीक को समझ ले। जितने भी प्रतीक भगवान ने दसवें अध्याय में अपने बताए हैं, चाहे उन्होंने कहा मैं देव ऋषियों में नारद हूं, चाहे उन्होंने कहा पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूं, जो कुछ भी उन्होंने कहा यदि तुम मेरे एक प्रतीक को भी समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा और तेरे को ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। आखिर में वो अर्जुन को कहते हैं कि तू क्यों सारे सवाल पूछ रहा है, तू केवल मेरे को तत्व से जान। ये 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तू मत उलझ इधर उधर की बातों में, तू इधर उधर की बात ही मत कर। यानी तू इधर उधर की बात मत कर, वो एक शेर था ना, तू इधर उधर की बात मत कर, तू मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा, कारवां क्यों लुटा,
तेरी रहबरी का सवाल नहीं, तेरी रहजनी का सवाल। यानी इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें, हम ये जानने का प्रयास करें कि हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या पूछना है, क्या समझना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू अर्जुन ये फालतू के सवाल ही मत पूछ, तू केवल और केवल मुझको तत्व से जान ले, ये तेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और तब भगवान ये कहते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में ऐश्वर्ययुक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त है, वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही तेज है। एरिक फ्रॉम एक साइकोलॉजिस्ट हुए, ही गेव द वर्ड पीक एक्सपीरियंस, एंड दिस पीक एक्सपीरियंस एनी वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, व्हाटएवर वी आर डू गुड एट डूइंग, चाहे वो गायन में है, चाहे वो आर्ट में है, चाहे वो पिक्चर बनाने में है, चाहे वो गुनगुनाने में है, चाहे वो कपड़े पहन, व्हाटएवर, यानी जो भी लाइफ में हम अपना पीक एक्सपीरियंस, चाहे वो मैं अपनी साइंस में ले सकता हूँ, अपने मेडिकल प्रोफेशन में ले सकता हूँ, आप लोग टीचिंग में ले सकते हो, जिसका भी जो प्रोफेशन है उसमें जो भी पीक एक्सपीरियंस है, दैट इज व्हाट भगवान कहते हैं, वो मैं ही हूँ। सो देयरफॉर इन आवर लाइफ एज ए प्रोफेशनल और एज ए पर्सन, वी शुड ट्राई टू डू द मैक्सिमम गुड सो दैट वी अचीव that peak experience which God is trying to say here, which Lord Krishna is trying to say here, and which he is trying to explain it to Arjuna so well, ke is duniya mein jo kuch bhi aisa hai vah mera hi tej hai, vah mera hi ansh hai, aur yadi hum is baat ko samajh jate hain to main ye samajhta hu ke hame kahin bhi jane ki avashyakta nahi reh jati, aur परंतु हमारी प्रॉब्लम क्या है कि भगवान ने जितने ये प्रतीक बताए हैं हम उन्हीं प्रतीकों को ही अपनी मंजिल समझ लेते हैं। हम मंदिर की मूर्ति को ही भगवान समझते हैं। समझना इम्पोर्टेंट है फॉर ए बिगनर, परंतु वहां पर रुकना नहीं है, आगे जाना है। और जब हम उससे पार जाएंगे इन प्रतीकों के, तो तब हम स्वयं को पा लेंगे, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं कि मंजिल स्वयं में है। इन प्रतीकों के पार जाना महत्वपूर्ण है। मैंने सुना कि बोकोजू एक बहुत बड़े संत थे, एक दिन बुद्ध के मंदिर में रुके, और उस बुद्ध के मंदिर में जो बुद्ध की मूर्तियां थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। रात को ठंड थी, बोकोजू ने उसमें से एक मूर्ति उठाई, उसको आग लगाई, जला ली और आग सेकने लगा। इतने में मंदिर का पुजारी आया, उसने कहा तू पागल है क्या, भगवान को आग लगा दी तूने। तो बोकोजू ने एक चिमटा लिया और उस राख में से अस्थियां ढूंढने लगा। पुरोहित ने कहा क्या कर रहा है, उसने कहा अस्थियां ढूंढ रहा हूं। उसने कहा तूने ही तो कहा भगवान है, उसने कहा तू तो पागल है, इस पागल को, उसने कहा मैं पागल नहीं हूं भाई, ठंड का मौसम है, दो तीन तू भी लिया, दोनों बैठ के इकट्ठे सेकते। और अब पुरोहित को और गुस्सा आया, उसने बोकोजू को मंदिर से बाहर निकलवा कर फेंक दिया। बोकोजू पूरी रात ठंड में पड़ा रहा, परंतु जब सुबह मंदिर के द्वार खुले तो पुरोहित देखकर हैरान हुआ कि बोकोजू एक पत्थर पर दो फूल रखकर पूजा कर रहा है। तो पुरोहित ने कहा कि भाई रात को तो तू मूर्तियां जला रहा था, अब उसी प्रतीक को तू, अब पत्थर लकड़ी की मूर्ति को तो प्रतीक नहीं मान रहा था भगवान का, अब तू पत्थर को पूज रहा है। उसने कहा यह प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतीक तक रुकना नहीं है, प्रतीक से आगे जाना है। और जो प्रतीक के पार हो जाता है, यही भगवान कृष्ण यहां पर कहते हैं कि जो प्रतीक के पार हो जाता है वह स्वयं को पा लेता है, वही मंजिल जिसकी चर्चा हमने आज की कि स्वयं में मंजिल है, यानी मंजिल स्वयं में है, उसी को पाने की चर्चा भगवान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन टू द हाउस, बिकॉज दिस इज व्हाट आई थॉट कि अभी मेरे को समझ में आया इन चार श्लोकों में, बाकी जो कुछ आपको समझ में आया यू ऑल कैन शेयर विद। थैंक यू बहुत बहुत डॉक्टर साहब, एज यूजुअल आपने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। अब बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन myself I feel a bit confused in some way.
आपने जैसे कहा था पहले कि भी जो हमारी थॉट्स भी है वो भी भगवान ही है, इज दैट राइट? जो मैं समझी के थॉट्स जो भगवान ने यहाँ पर कहा, देखो देयर आर टू थिंग्स, वन आई सेड थिंग्स, सेकंड आई सेड थॉट्स, ये मैं भी लेना चाहूंगी सेम ही। हाँ ये वाला जो है इसमें मैं भी थोड़ी सी चाह रही थी। हाँ जी ममता जी आप कुछ। हाँ जी सेम इंदु दीदी वाला क्वेश्चन जो था ये मेरे को भी थोड़ा सा हिट किया था कि जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हमारी थॉट प्रोसेसिंग जो है वो अगर प्रभु ही मैनेज कर रहे हैं या वही है हमारे थॉट्स में, तो फिर वो नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन। फिर हमें तो ऑलवेज वी शुड बी वेरी पॉजिटिव ना। यस दैट्स व्हाट कंफ्यूज्ड मी। सो इसलिए कंफ्यूजन कंफ्यूजन यही तो कंफ्यूजन क्लियर करता हूं करिए करिए। हमें जो पहले भी मैंने एक बार बताया था कि 1/10 जो है हमारा ब्रेन का पार्ट वो कॉन्शियस है और 9/10 जो है वो हमारा सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। 1/10 में मेजॉरिटी हम खेलते हैं, इवन पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी 1/10 को डेवलप करता है, हमारी सोसाइटी में भी हम उस 1/10 को ही डेवलप करते हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि 9/10 जो है वो ज्यादा पावरफुल। अब डिफरेंस मैं आपको एग्जांपल देके एक बताता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर के बाहर एक गार्ड बैठे, अब उपद्रव मेरे गेट पे होता है, मैं अंदर से बंदूक लेकर या डंडा लेकर निकलता हूं और उपद्रव में शामिल हो जाता हूं, वापस आकर बैठ जाता हूं, जो मेरा गार्ड है वो आराम से फिर सो जाता है। इतने में कोई ज्ञानी आदमी इंदु जी जैसा आता है और वो उसे उपदेश देने लगता है कि भाई गुस्सा मत किया कर, क्यों उपद्रव करता है। वो कहते हैं मैंने कहा किया उपद्रव, अंदर से कोई आदमी आया उसने उपद्रव किया और वो अंदर चला गया। ये 9/10 जो है वो हमारा मालिक है, वो अंदर से आता है, बाहर उपद्रव करता है और बाहर चला जाता है, और वो जो 9/10 है वो 1/10 वाले को काबू कर लेता है, ओवर पार कर लेता है। 1/10 बेचारे की तो औकात ही नहीं कोई रह जाती। इसलिए नेगेटिविटी जो अंदर हमारे हमने संभाली है बिकॉज ऑफ आवर नेगेटिव अपब्रिंगिंग, तो थॉट्स जो है वो नेगेटिव हमारे ज्यादा आते हैं। इट इज सेड कि जब तक बच्चा 4 साल का होता है 120,000 बार हम उसे ना कह चुके होते हैं। एंड बिलीव मी इट टेक्स 1-4 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स टू क्लियर 1 नेगेटिव थॉट। इसलिए जो नेगेटिविटीज हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि हम जिस एटमोसफियर में हमें ब्रॉट अप किया गया, इसलिए हम गीता की बात करते हैं मदर्स तक ले जाने के लिए, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है वो कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी भरी पड़ी हो तो पॉजिटिविटी थोड़ी हो तो वो उसे कैसे ओवर पार करेगी। हम मान लो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म जैसी चर्या, यानी हमारी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जानी चाहिए, परंतु जो ऊर्जा नीचे ले जाने वाला वो 9/10 है। 1/10 से तो हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, 9/10 हमें नीचे घसीटने की कोशिश करता है। तो इसलिए जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फीड होगा हमारे फेथ से, हमारे बिलीफ से, हमारी रीडिंग से, हमारी पॉजिटिविटी से। उसमें हम जो कुछ भी, जैसे सिंपल सा प्रिंसिपल है गीगो का, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। अगर हम गार्बेज इन जाएगा तो गार्बेज ही आउट आएगा, अगर हम पॉजिटिव चीजें अंदर डालेंगे तो पॉजिटिव ही बाहर आएंगी। इसलिए इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड गुड बुक्स लाइक गीता, सो दैट हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जाए।
आप देखो गीता की पॉजिटिविटी कितनी बड़ी है कि गीता एक बिल्कुल नेगेटिविटी से जो इंसान भर जाता है अंत में लाकर उसे खड़ा कर देती है, और वो आदमी स्वयं से कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेह स्थितो अस्मि, मैं अपने आप में स्थित हूँ, ऑल माई सस्पिशंस आर गॉन, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं अपनी मेमोरी को दोबारा से रीगेन कर गया हूँ। व्हाई इट हैज हैपेंड, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा उसको कान पकड़ के भी कह सकते थे तो युद्ध कर, कोई जरूरत नहीं थी ये 18 अध्याय बताने की उसे, परंतु ही वांटेड कि मैं इसके थॉट प्रोसेस को चेंज करूं, इसके थॉट प्रोसेस को रेवोल्यूशनाइज करूं, ताकि ये जो आदमी नेगेटिविटी से भर गया है ये स्वयं से पॉजिटिविटी के साथ खड़ा हो जाए। कोई जरूरत नहीं थी भगवान को इतने लेक्चर देने की, भगवान सिर्फ इतना कह सकते थे चले खड़ा हो, मारूंगा दो कान के नीचे, गीता आंटी है कान के नीचे मारने वाली। इंद्रा जी मारने वाली है नहीं, जो भी हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, क्यों बदनाम करते हो पॉजिटिविटी नहीं डॉक्टर साहब, ये बात बहुत अच्छी, पॉजिटिविटी में बदलना ही गीता का संदेश है, बेसिकली इट इज टर्निंग नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, दैट इज व्हाट गीता इज, गीता इज अ जर्नी फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि थॉट्स नेगेटिविटीज क्यों आती हैं, बिकॉज हम अखबार पढ़ते हैं तो नेगेटिविटी, पड़ोस है तो नेगेटिविटी, सोसाइटी है तो नेगेटिविटी, प्रोफेशनल प्लेस तो नेगेटिविटी, यानी पूरी की पूरी वाइट शीट के ऊपर हमें एक ब्लैक डॉट दिखाई देता है, क्योंकि हमें रस आने लगा ना उसमें, आदत पड़ गई हमें उसकी, उस आदत को तोड़ना बहुत मुश्किल है, एक शेल बन गया नेगेटिविटी का हमारे आसपास, उस नेगेटिविटी के शेल को जब तक हम तोड़ नहीं पाएंगे, और वो टूटेगी कैसे, बाहर से नहीं टूटेगी, अंदर से, यदि हम अंडा है उसको तोड़ देंगे तो बच्चा कभी नहीं निकलेगा, बच्चा अंदर से शेल तोड़ के खुद निकलता, तो जब वो खुद निकलेगा अंदर से, तो वही अंदर से शेल तोड़ना है, अंदर की पॉजिटिविटी से वी हैव टू ब्रेक द शेल, वी डू नॉट हैव टू ब्रेक इट फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट इज व्हाट गीता इज, इट ब्रेक्स द शेल फ्रॉम इनसाइड, the shell of negativity is broken from inside revolution, and that is what Lord Krishna is trying to bring in Gita, the inner revolution. Aur inner revolution hi Arjun ko jab hua tabhi wo khada hua. Ek baat, I hope I could explain, agar nahi aaya to main dobara se explain. Nahi, bahut acche se, thank you. I think aapka ye jo vaigyanik aur manovaigyanik iska vishleshan tha नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का, मेरा ख्याल है ये दिमाग में इम्प्रिंट हो गया, जो आपने ये बात कही कि 4 पॉजिटिव थॉट्स एक नेगेटिव थॉट को खत्म कर सकते हैं, इसका मतलब नेगेटिव थॉट कितना स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें इंसान को ज्यादा आनंद आता है क्योंकि वो आसान होता है एक्सेप्ट करना, आसान होता है, पॉजिटिविटी बड़ी मुश्किल होती है, तो उसको ऊपर चढ़ने को नेगेटिविटी नीचे जाने जैसी है, इट इज ऑलवेज इजीियर टू कम डाउन द हिल देन गो अप द हिल। मैं यहां तक जहां तक मेरा मुझे ऐसा समझ आया कि इस सारे अध्याय का एक जो विषय है वो यही है कि ईश्वर में दृढ़ विश्वास पैदा करता है कि ये जितनी भी विभूतियां हैं ये सब ईश्वर की माया है, और ये विभूतियां ही, एक है शांत जिसका अंत होता है, एक है अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि अनंत भगवान, ये विभूतियां शांत से अनंत की तरफ ले जाने का एक रास्ता है, और जब हम ईश्वर को इस अध्याय में, मेरे को ये भी लगा कि इसका समझाने का मतलब ये है श्री कृष्ण का अर्जुन को कि इस संसार का मूल कारण जो है वो ईश्वर ही है, अनंत है, अनादि है, अनश्वर है, और चीजें सारी नश्वर हैं और उनका अंत है, ये इस अध्याय का मुझे सार समझ आया, और आपका पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का तो दिमाग में बैठ गया, बहुत सुंदर विश्लेषण किया आपने, धन्यवाद। थैंक यू इंद्रा जी। हाँ जी, किसी और को कुछ पूछना या कमेंट देना?
Can I ask, hello Indu ji, nice to see you back. Can I ask one question? आप वीडियो ऑन कर रही हैं अपना? Thank you so much. Very nice explanation was given. I agree with Indira ji as well. My question is, when you talk about peak experience we all have, can you share your peak experience, either medical or religious, that we can connect with? Yes, the kind of work which I have done in my life, like I used to stand and see my patients because the rush was so much. And the number of patients I used to see was almost 350 patients, and that too in 3 hours. एंड उस समय मेरे को पता ही नहीं लगता था कि भी अगर कोई मेरे को बीच में छेड़ देता था ना तो मैं एकदम फट पड़ता था. तो मुझे लगता था कि भी मेरे को गुस्सा क्यों आया उस समय जब किसी ने मेरे को छेड़ा. तो मेरे को ये फिर महसूस होने लगा कि ये जो मेरी एनर्जी जो मैं फोकस करके उस काम में लगाए हुए था, जैसे मेरी समाधि लगी हुई थी उसमें, और तब मेरे को कोई छेड़ता तो वो मेरी एनर्जी एकदम डाइवर्ट होके मेरे गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है. मेरी वाइफ अक्सर मेरे को कहती थी कि आप एकदम क्यों फट पड़ते हो, पर धीरे 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 फिर मैंने उस पीक एक्सपीरियंस की एनर्जी को कंट्रोल करना सीखा. यानी दैट पीक एक्सपीरियंस आई कुड गेट इन माय एनर्जी लेवल्स व्हेन आई वाज सो इन्वॉल्वड एंड सो एब्जॉर्ब्ड इन माय वर्क. एंड द अदर वे अराउंड ऑल्सो, बिकॉज पीपल ऑलवेज आस्क अबाउट द थर्ड पावर, लेट मी टेल यू, द बेस्ट ऑपरेटेड आईज बाय मी have ended nowhere, and the worst operated probably still till date have the best vision I could give. So that means maine apni theory badal li kehne ki. Main kabhi koi aage mere ko kehta ji aankh banne ke baad meri nigah to achhi aa jayegi, to maine patient ko ye kehna shuru kiya ki aankh banana mera kaam hai, main acche se aankh banaunga, par nigah dena prabhu ka kaam hai, mera kaam nahi hai. This is what level I came to after my surgical almost 3 lakh surgeries I have done in my life. And इस experience के बाद कि जो best मैं करता था वो अगले दिन मेरे को endophthalmitis मिलता, blind मिलती, और जो मेरी खराब हो जाती वो अगले दिन most shining मिलती. तो मुझे लगता है कि there is a third force, you are not everything, there is always, because life cannot be like two रेलगाड़ी के दो पटरियों की तरह नहीं हो सकती. बीच में कहीं ना कहीं परमात्मा आता है. और ये युद्ध भी यदि आप देखें महाभारत का, जो दुर्योधन है वो भीम के तल पर है. दुर्योधन कहता है भीम रक्षितम, पांडवों की सेना जो है भीम से रक्षित है. उसको ये विचार ही नहीं आया, क्योंकि उसने तो सोचा कि भीम को बड़ी बार पीटा है, क्या युद्ध करेंगे, आज फिर पीट दूंगा, हार के 3-4 दिन मैंने पीट पाट के वापस भेज दूंगा. परंतु उसे ये नहीं पता था कि भगवान कृष्ण बीच में आ जाएंगे और युद्ध की दिशा ही बदल जाएगी. अगर दुर्योधन ने ये सोचा होता, so that is what the third force is, and it always comes in your life. Only thing is that we have to listen carefully to the inner voice which comes from inside. And if aur ye peak experience aur bhi acche aate hain jab hum apni ego ko ghar par rakh dete hain, that time we feel more about the peak experiences. And the peak experiences, everybody, chahe aap Picasso ki baat karo, he has mentioned about it. आप आइंस्टीन की बात करो, ही हैज मेंशनड अबाउट इट. ओपनहाइमर की बात करो, ही हैज सेड अबाउट इट. फ्रायड हैज सेड अबाउट इट. सो मेनी साइकोलॉजिस्ट, मेनी फिजिसिस्ट, दे हैव ऑल एग्रीड अपॉन पीक एक्सपीरियंस. एंड दिस पीक एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स इज, आप भी देख सकते हैं जब आप अपने काम में, जिन लोगों ने भजन गाए उनसे आप पूछ के देखो कि जब वो भजन में पूरा अपने आप को इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो पीक एक्सपीरियंस है. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, अगर टाइम है तो. आपने अकबर और तानसेन के बारे में सुना होगा. तानसेन बहुत अच्छा गाता था और अकबर की भी लोर लगती थी, अकबर भी उसे बड़े ध्यान से सुनता था. परंतु एक दिन अकबर के मन में आया कि तानसेन तेरा भी कोई गुरु होगा. उसने कहा है. तो उसने कहा तुम्हारे गुरु गाते हैं? उसने कहा. अकबर को भी लगा कि जब तानसेन इतना अच्छा गाता है तो उसका गुरु तो और भी अच्छा गाता होगा. तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु को सुनना चाहता हूँ. तो उसने कहा मेरे गुरु दरबार में आकर तो गाएंगे नहीं. तो अकबर ने कहा कोई बात नहीं, जहां भी वो गाएंगे वहां हम चलेंगे. उसने कहा परंतु वो किसी के कहने पर नहीं गाते, लोर लगेगी तो गाएंगे. तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे.
अकबर और तानसेन हरिदास की छोटी सी कुटिया यमुना के किनारे जो थी उसके पीछे जाकर छुप कर बैठ जाते, और उसके बाद जैसे ही भोर होती है हरिदास गाना शुरू करते। हरिदास के गाते 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 अकबर को समाधि लग जाती, अकबर इतना एब्जॉर्ब हो जाता। और फिर उसके बाद जब उनका गायन खत्म हो जाता है तो तानसेन को अकबर को हिलाकर ले जाना पड़ता है कि चल चल कहीं गुरुजी देख ना लें। तब रास्ते में अकबर प्रश्न करता है तानसेन से कि तानसेन तेरा गुरु तेरे से इतना अच्छा गाता है। तो जो तानसेन ने जवाब दिया वो हम सबके जीवन की दृष्टि को बदल सकता है। तानसेन ने कहा, जहां पना मैं आपके लिए गाता हूं, आपके दरबार में गाता हूं, और जब भी गाता हूं इनाम में कुछ पाता हूं, परंतु मेरा गुरु उस प्रभु के लिए गाता है, किसी इनाम के लिए नहीं गाता, किसी फेवर के लिए नहीं गाता। ही ओनली सिंग्स फॉर द गॉड, वो केवल और केवल परमात्मा के लिए गाता है, और मैं आपके लिए गाता हूं। ये हमारे दोनों के गायन में फर्क है। और जिस दिन हम अपनी लाइफ के सारे काम उस परमात्मा को मानकर, उस परमात्मा को समर्पित अर्पित करके करते हैं, उस दिन हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली पीक एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं। और उस पीक एक्सपीरियंस से ही हम गुड से, जो लोग कहते हैं ना कि एक गुड एक ग्रेट, ग्रेट बनने में पीक एक्सपीरियंसेस वो आते हैं। और गुड और ग्रेट में यही फर्क है कि गुड लोग अपने लिए काम करते हैं और ग्रेट लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। वो प्रभु को समर्पित करके अपने कार्य करते हैं, और जिस दिन हमारी सोच में, हमारे विचार में दूसरे आने लगेंगे, परमात्मा आने लगेगा, निश्चित रूप से हमारे कार्य बदलने लगेंगे, हमारे कार्य की शैली बदलने लगेगी, हमारे विचार बदलने।